जिला बदायूं के कस्बा उजानी में रामलीला मेला का बहुत ही जोर शोर पर चल रहा है। मेले में लकड़ी की मूर्तियां बनाई गई हैं। बहुत ही दूर दूर से चरक झूला, रामलीला कलाकार, वैरायटी शो वाले आए हुए हैं। बच्चों के मनोरंजन के सभी प्रकार के आइटम मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन भी काफी सतर्क दिखाई दे रहा है। थोड़ा कैमरा मैन इस मंदिर को दिखाइए, ये जो है किस तरीका से मंदिर बनाते हैं। और अब हम आपको जो है पहले सीधा हम पहले जो कारीगर है जो बनाते हैं उनसे बात कराते हैं हम आपके लिए। क्या नाम आपका? बहुत बार कहाँ रहते हैं? मतलब उजानी में रहते हैं आप? तो ये आपने जो जो मंदिर बनाए हैं तो ये स्वयं आप बनाते हैं? अभी एक जो है बाबा है जो यहाँ पर खरीद रहे हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि क्या कैसा मंदिर खरीद रहे हैं और किस पर बाबा क्या नाम आपको? आप भैया आप जो है यहाँ पर दुकान पे हैं तो आप किस पर्पज से आए यहाँ पर? अच्छा अच्छा, तो आप जो है यही काम करते हैं? ये खुद आपने ये है पेंटर जो है आप करते हैं? जी जी, पेंट भी ये हम आपको अभी दिखाया था। ये जो है पूरा लकड़ी का बना हुआ है और बहुत ही फैंसी काम बना हुआ है। ये रजवी के दौरान 101 गरीब के मोतियाबिंद ऑपरेशन कैलाश आई हॉस्पिटल में फ्री कराए जाएंगे। यह जानकारी सज्जादा नसीन मुफ्ती हसन रजा कादरी मिशन मियां के एक प्रेस वार्ता में दी। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को सारी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। आला हजरत फाजले बरेलवी का हर साल 23, 24, 25 सफर को उर्स होता है। इत्तेफाक से इस बार अंग्रेजी तारीख और चांद की तारीख दोनों एक साथ पड़ रही है। आला हज़रत फाजले बरेलवी के उर्स में पूरी दुनिया से उलमा इकराम आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, जिनकी ठहरने की व्यवस्था, रहने और खाने की व्यवस्था दरगाह के सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुभान रजा खान सुभानी मियाँ साहब की जानिब से की जाती है। दरगाह के सजादा नशीन मौलाना सुभान रजा खान सुभानी मियाँ साहब की तरफ से सारे किए गए हैं। उसमें जो है सामाजिक कार्य भी किए जाएंगे, एक हमारे मजहबी कार्यक्रम तो होते ही हैं। इसके अलावा इस बार एक बूथ में चूँकि आला हज़रत फाजले बरेलवी ने पूरी उम्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर इस्लाम है उनकी पैरोकारी की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे गरीबों के वसीयत थे, बीमारों को देखने जाते थे। आपसे हमेशा प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम दिया, उसी अमन के पैगाम को आम करते हुए गरीबों की मदद को आम करते हुए आला हज़रत के उर्स में इस बार सजादा नशीन की जानिब से दरगाह की तरफ से 101 गरीबों के मुफ्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके अलावा जगह जगह पौधे रोपे जाएंगे और उसकी निगरानी हमारी पूरी टीटीएस की टीम साल भर करेगी जब तक ये पौधे बड़े नहीं हो जाते हैं। इसमें छायादार वृक्ष भी होंगे, हज़ारों पेड़ भी होंगे।
इसके अलावा सफाई को लेकर जैसा कि कहा गया है कि मुसलमानों में आधा ईमान जो है वो सफाई है, मैं समझता हूँ हर मजहब में सफाई को लेकर है, तो उसको लेकर भी हम लोग जो ज़ाहिरीन बाहर से आते हैं उनको भी हम जागरूक करेंगे कि अपने घर के आसपास सफाई रखें, पंडाल जो हमारा बनेगा, लंगरखाने होंगे जहाँ ज़ाहिरीन ठहरेंगे, उनसे भी कहा जाएगा कि आप लोग अपने आसपास सफाई रखें। बरेली में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मिशन की ओर से जिला अस्पताल से पटेल चौक तक एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जिला अस्पताल की नर्सों ने भाग लिया। इस रैली का शुभारंभ सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर किया। आज आपका जनहित में क्या संदेश है? आज 20वां वर्ल्ड साइट डे है, विश्व दृष्टि दिवस। इसमें विजन फर्स्ट यानी कि जो दृष्टि आपकी है, नज़र है, उसका महत्व बताती हुई, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहली चीज़ है, उसके विषय में दृष्टि को कैसे सही रखा जाए, आँखों को कैसे सुचारू रूप से उनका देखभाल की जाए कि दृष्टिहीनता ना हो, और यदि दृष्टिहीनता है तो उसका कारण पता चलाकर डायग्नोसिस करके इस तरह उपचार किया जा सकता है। इस विषय में बच्चों को सामान्य बातें जो उनकी समझ में आ सकती हैं, ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, ऐसी बातें बताई गई और उनका इस विषय में ज्ञानवर्धन किया। गाजियाबाद के बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद गुरुवार को डीआईजी प्रशांत कुमार ने गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में औचक निरीक्षण किया। एडीजी प्रशांत कुमार ने अपने निरीक्षण में थाने में कई खामियां पाई, इसको लेकर उन्होंने गाजियाबाद के पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।